हेलो एंड वेलकम दोस्तों, मंडला टीवी के इस यूट्यूब चैनल में मैं सुनील आप सभी का स्वागत करता हूं। तो दोस्तों, आज हम इस ब्लॉग की शुरुआत एक विलेज को एक्सप्लोर करके करेंगे। विलेज का नाम है ग्राम जहरमऊ। तो दोस्तों, आप देख सकते हो कि मैं जिस जगह पे अभी खड़ा हूं, यहां से ग्राम जहरमऊ स्टार्ट होता है। तो दोस्तों, अब हम चलते हैं और देखते हैं ग्राम जहरमऊ के क्या क्या टॉप हॉटस्पॉट पॉइंट हैं और उन हॉटस्पॉट पॉइंट को एक्सप्लोर करते हैं। तो चलिए ब्लॉक को यहां से शुरुआत करते हैं। रास्ता दिख रहा है, यह मंडला से नैनपुर की ओर गया है। तो यह है जहरमऊ तिराहा के नाम से जाना जाता है। तो दोस्तों, अब हम जिस लोकेशन पे पहुंच चुके हैं वो है ग्राम जहरमऊ का माता खेरमाई मंदिर। आप देख सकते हो दोस्तों कि माता खेरमाई का जो मंदिर है वो एक पहाड़ी पे बना हुआ है। इधर इस तरफ से पहाड़ी शुरुआत होती है और ये एक पहाड़ी पे बसा हुआ है। आप देख सकते हो कि इस तरफ पहाड़ी है और इसी पहाड़ी पे एक नल भी लगाया गया इस मंदिर के लिए। तो कुछ इस तरीके से यहाँ पे माता का मंदिर बना हुआ है इस पहाड़ी पे। पहाड़ी के साइड में दोस्तों आप देख सकते हो कि एक प्लेग्राउंड बनाया गया है जिसमें गांव के बच्चे गेम वगैरह खेलते हैं। तो अब चलते हैं हम नेक्स्ट डेस्टिनेशन पे। तो दोस्तों, आप देख सकते हो कि मेरे पीछे शासकीय उच्चतर माध्यमिक विद्यालय जहरमऊ है और यहाँ पे जैसा कि आप जानते हो कि 9th, 10th, 11th, 12th लगती है। साथ ही साथ मैं जिस प्रांगण में खड़ा हुआ हूँ यह है विद्यालय का प्लेग्राउंड है, तक जो कि आप देख सकते हो कि दूर दूर तक हरी घास इसमें दिखाई दे रही है। साथ ही साथ मैं बता दूँ दोस्तों कि यहाँ पे ये जो बिल्डिंग दिख रही है, ये थर्ड नंबर की लास्ट वाली, ये है यहाँ की आंगनवाड़ी की बिल्डिंग। उसके बाद है यहाँ पे उप स्वास्थ्य केंद्र, उसके बाद ये है ग्राम पंचायत भवन जहरमऊ, उसके बाद यहाँ पे आपको पहली से लेकर आठवीं कक्षा तक की सभी कक्षाओं के लिए स्कूल मिलेगा। तो दोस्तों, अब हम चलते हैं ग्राम जहरमऊ की एक और अन्य डेस्टिनेशन पे। तो चलिए शुरू करते हैं। इस गांव के दक्षिणी पॉइंट पे खड़े हैं और इस पॉइंट पे इस गांव की बॉर्डर डिसाइड होती है और इस बॉर्डर पे ही एक नाला है और यही नाले से अगला जो गांव है उसका क्या नाम भाई साहब? इमलीवाल नाला। नहीं, ये नाले का नाम, ये तो नाला है। हाँ। है ना, ये नाला है, नाले का नाम इमलीवाला नाला। नाला और इसके बाद में कौन सा गाँव है? भोंगाद्वार। भोंगाद्वार। तो दोस्तों, आप देख सकते हो कि यहाँ पे ये जहरमऊ है और इसके बाद ये नाला है और नाला के उस तरफ जो है भोंगाद्वार नामक गाँव
प्रारंभ होता है। तो चलिए इस नाले को थोड़ा देखते हैं। साथ ही साथ दोस्तों आप देख सकते हो कि इस नाले के बारे में यहाँ पे कुछ डिटेल थी, तो लोगों ने यहाँ पे जो बोर्ड लगा हुआ उसको तोड़ दिया है। तो चलिए नाले को थोड़ा नजदीक से देखते हैं कितना क्या पानी है। तो देख सकते हो दोस्तों कि अब हम इस नाले के बीचों बीच में आ चुके हैं और ये छोटा सा नाला है। और इस तरीके से देख सकते हैं कि पेड़ों के बीच में यहाँ पे उधर आगे की ओर कुछ पानी भरा हुआ है इस नाले में। चूंकि ये समय अभी गर्मी का है और आज दिनांक है 23 जून, तो 23 जून को पानी अभी ज़्यादा गिरा नहीं है, तो इस समय थोड़ा थोड़ा पानी है इस नाले में। साथ ही साथ इस तरफ भी मैं आपको दिखा दूँ कि कितना पानी है। ये देख सकते हो आपकी थोड़ा पानी है और ये नाला है, इसका नाम इमली वाला नाला। तो दोस्तों ये था ग्राम जहरमऊ का पार्ट वन वीडियो। अब हम कुछ दिनों में आपके लिए इसी वीडियो का नेक्स्ट पार्ट निकालेंगे। फिलहाल इस वीडियो को देखने के लिए आपका धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत।